नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 15 जुलाई गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिलवार। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन गुना रेलखंड के मक्सी स्टेशन के आउटर पर बॉक्स में सिक्का फंसाकर सिग्नल लाल कर ट्रेन में लूट की वारदात करने वाले चार आरोपियों को जीआरपी ट्रांजिट रिमांड पर लाई है। हरियाणा के रहने वाले आरोपियों ने भिंड रतलाम एक्सप्रेस में 26 जून को लूट की वारदात की थी। वो अब तक चार राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में 6 वारदात कर चुके हैं। दरअसल 26 जून को हुई ट्रेन लूटी की वारदात से जीआरपी सकते में थी। सिग्नल रेड कर की गई इस वारदात ने सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया था। इसी बीच जीआरपी को सूचना मिली कि सूरत जीआरपी ने ट्रेन में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के टोहना के रहने वाले राहुल वाल्मीकि, सन्नी वाल्मीकि, सुखबीर सिंह और दीपक पंजाबी लगातार सिग्नल बॉक्स में सिक्का फंसाकर लूट की वारदातें कर रहे थे। ये चेकिंग के दौरान सूरत पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो पटरियों पर लगे बॉक्स के पैनल में सिक्का अड़ा देते थे। सिक्के की वजह से पैनल काम नहीं करता था और सिग्नल हरे के बजाय लाल ही रहता था। ऐसी स्थिति में ट्रेन आउटर पर खड़ी हो जाती थी। आरोपी डिब्बे में घुसकर यात्रियों से नकदी, जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लूट लेते थे। इनसे 300 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। जीआरपी एसपी किरण लता केरकट्टा ने बताया कि आरोपियों ने चार राज्यों में अब तक 6 वारदातों को अंजाम दिया है। ये एक वारदात कर तत्काल अगले शहर या राज्य में चले जाते थे, इस वजह से ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। कब कब कहां कहां की वारदात। 18 जून माउंट आबू राजस्थान, 19 जून भरूच गुजरात, 20 जून वापी गुजरात, 25 जून नंदूरबार महाराष्ट्र, 26 जून मक्सी मध्य प्रदेश, 27 जून कोटा राजस्थान। जून 26 तारीख को मक्सी स्टेशन दो ट्रेनों पर लूट की वारदात हुई थी। उसमें जो सिग्नल है उसमें छेड़खानी करके ट्रेन को रोका गया था और उसके पश्चात वारदात की गई थी। अभी हम चार आरोपियों को गुजरात पुलिस सूरत से लेकर आए हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं कि उन्होंने ये घटना कैसे की थी। और उन्हें यही बताया कि हम सिक्का डाल करके सिग्नल में विघ्न पैदा करके उसको ट्रेन को रोकते थे और घटना करते थे। हरियाणा के रहने वाले हैं, टोहना डिस्ट्रिक्ट के। त्योहारों से पहले पुलिस को तैयार करने के लिए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने गुरुवार को पुलिस कर्मियों की बैठक ली है। पुलिस कंट्रोल रूम सभागृह में हुई मीटिंग में एएसपी सिटी अमरेंद्र सिंह, एएसपी देहात आकाश भूरिया भी शामिल हुए। एसपी ने पुलिस कर्मियों से कहा कि वो सूचना तंत्र मजबूत रखें और अपने इलाकों में गश्त पर काफी ध्यान दें। थाना प्रभारियों को गश्त करने के साथ इसकी सूचना अनिवार्य तौर पर उन्हें देने के लिए भी ताकीद किया। एसपी ने साफ किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी ऐसा करता मिला उसे लाइन का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अभी जो हमारा फोकस है आगे आने वाले जो त्योहार हैं और उनके साथ साथ जो उज्जैन के लिए एक सावन महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसके अनुरूप जो व्यवस्थाएं और साथ ही साथ जो हमारा तंत्र है वो कितना सक्रिय है और क्या क्या कमियां हैं और उनको क्या क्या काम आगे करना है, इसके संदर्भ में उनसे चर्चा की गई। साथ ही साथ जो हमारे जो आपराधिक परिदृश्य है उस आपराधिक परिदृश्य में क्या कार्रवाइयाँ अपेक्षित हैं और अभी कहाँ कमियाँ हैं, इस संदर्भ में उनसे बात की गई है। विस्तृत निर्देश उनको दिए जा रहे हैं और ये पूरा फोकस हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, साथ ही साथ जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो नियंत्रित रहे, इसके संदर्भ में चर्चा की। विक्रम यूनिवर्सिटी में गुरुवार को 5 करोड़ की लागत वाले नए परीक्षा भवन का लोकार्पण किया गया है। 2600 स्क्वायर फीट में बने 2 मंजिला भवन में 21 कमरे, 4 हॉल और 4 अधिकारी कक्ष बनाए गए हैं। नए भवन के लोकार्पण से परीक्षा की गोपनीयता बनी रहेगी। गुरुवार को नए भवन का लोकार्पण करने उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, विधायक पारस जैन और कुलपति डॉ. अखिलेश कुमार पांडेय ने किया। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कहा, विक्रम यूनिवर्सिटी में भवनों की आवश्यकता को देखते हुए नए भवन बनाए जा रहे हैं। परीक्षा भवन का लोकार्पण विकास की इसी कड़ी में है। यादव ने बताया कि विक्रम के माध्यम से मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश की जा रही है। सीएम भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए तैयार है। विधायक पारस जैन ने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण सौगात है। यूनिवर्सिटी में सुविधाओं की कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल कॉलेज मेरा सपना था, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय ये प्रारंभिक आज़ादी के समय से हमारे लिए एक सौगात रही है। विक्रम विश्वविद्यालय भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में, इसका गौरव लगातार बड़े माननीय पारस जी, जैन साहब, माननीय सांसद जी, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं
उसमें प्रशासनिक भवन की दृष्टि से भी भवनों की आवश्यकता है और माननीय कुलपति जी और रजिस्ट्रार हमारे सब लोग लगे हैं, आज एक नए भवन की सौगात दी। आने वाले समय में विकास के और भी नए नए काम करते जाएंगे, खास करके हमारे लिए जो विभिन्न प्रकार के जब हम कोर्स खोलते हैं, एग्जाम कराते हैं, तो उनकी परीक्षा की कापियों को जांचना, प्रशासनिक दृष्टि से बैठक व्यवस्था करना, तो ये विकास का क्रम लगातार चलता रहे। यशस्वी मुख्यमंत्री इस बातों में लगातार जोर भी देते हैं और हम ये कोशिश करते हैं भाजपा की सरकार आने के बाद इन सारे विकास कामों को गति मिलती रही। विश्वविद्यालय अकेले विक्रम का मुद्दा नहीं है, ये महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में सब प्रकार की शिक्षा हो, ये नई शिक्षा नीति भी कहती है। और ऐसे में हमारे पास ये बात सही है कि उज्जैन जैसी जगह पर जब मेडिकल कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता है, तो शासन के लेवल पर ये गंभीरता के साथ विचार हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज तो खोला जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज को सफलता के साथ चलाने में शासन की वर्तमान वित्तीय कठिनाइयां भी है और विश्वविद्यालयों का आगे उन्नति का एक अवसर भी है। तो एक पॉलिसी मीटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि ऐसे कई विश्वविद्यालय जिसमें विक्रम नंबर वन पे है, वो अपने विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज खोले, शासन उनको मदद करेगा, लेकिन हमारी सबकी प्राथमिकता है कि मेडिकल कॉलेज खुले और वहाँ सबसे पहले खुले जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसमें उज्जैन भी है। तो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए काफी गंभीरता से सरकार प्रयास कर रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट आएंगे। यूनिवर्सिटी में पहले भी कई चीज़ों की कमी, उसकी पूर्ति हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति भी लाए हैं और उसके तहत भी वास्तविक में नए कई कोर्स खुलने वाले हैं जिससे भी उज्जैन के लोगों को, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। अभी जिसका कह रहे थे कि वर्चुअल, अधिकतर वर्चुअल क्लासें चल रही हैं, लेकिन अब स्कूल खुलने की भी जहाँ बात आई है, वास्तविक में वो स्कूल भी खुलना चाहिए क्योंकि बच्चे को यदि पढ़ने का अधिकार है तो वही एक स्थान देता है। लेकिन ये बात भी देखा है कि अपने घरों में छोटे छोटे बच्चे भी आजकल लैपटॉप से पढ़ने की उनकी आदत पड़ गई है, वास्तविक में एक बहुत अच्छी आदत। समय खराब नहीं हुआ, जो काल चक्र आया उसको निपटते हुए उन लोगों ने वहाँ भी अध्ययन किया है, जल्दी जो भी वो निर्णय होगा। पीटीएस माधवनगर चरक अस्पताल के बाद अब जिला अस्पताल में भी 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। सीएसआर मद से अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू हो गया है। आईसीयू और अस्पताल के मुख्य भवन के बीच खाली जमीन पर प्लांट का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। 6x10 मीटर का स्ट्रक्चर 10 दिन में तैयार हो जाएगा। इसके बाद प्लांट की मशीन फिट हो जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 महीने में जिला अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा। गौरतलब है कि कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मारामारी हो गई थी, इसके चलते ताबड़तोड़ ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ था। चरक और माधवनगर अस्पताल में तो सरकारी स्तर पर प्लांट स्थापित किया गया था, लेकिन पीटीएस में जन सहयोग से प्लांट लगाया था। अब जिला अस्पताल में प्लांट स्थापित होने से एक नई सुविधा मरीजों को मिल जाएगी। घटिया तहसील के चौसला में खेतों का विवाद लगातार तुल पकड़ रहा है। पुलिस बल नहीं मिलने के कारण अतिक्रमण नहीं हट रहा है, इसे लेकर ग्रामीण तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। इस मामले में विधायक रामलाल मालवीय ने एसडीएम और तहसीलदार से मुलाकात की और रास्ते का अतिक्रमण जल्दी से जल्दी हटाने की बात कही है। विधायक ने बताया कि प्रशासनिक लेट लतीफी के कारण ग्रामीण उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वे रास्ता नहीं खोलने दे रहे हैं। विधायक ने सभी ग्रामीणों के आरोपों को सिरे से नकार दिया है और बताया है कि एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी के साथ मीटिंग की गई है, जल्दी ही रास्ते का अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। पर आज तक उस पर कोई निकले नहीं 50 साल से। तहसीलदार साहब खुद गए थे, इन्होंने बोला 50 साल से उस पर कोई निकलने का रास्ता नहीं है। और जो मैंने अभी बताया ना कि एक आदमी खुद बोल रहे थे कि साहब मेरी 12 साल की उम्र से मैं देखता हूँ रास्ता बन रहा है और 56 साल हो गए आज तक नहीं बना। मैंने बोला रामलाल मालवीय के पास आए निश्चित रूप से रास्ता बनेगा, और वही आदमी कल हमारे खिलाफ नारे लगाए तो हमको कितनी तकलीफ होती। विधायक जी का इस विषय पर ये कहना था कि जो भी अतिक्रमण है जिससे जनता को असुविधा हो रही है उसको प्रशासन जो है हटवाए। उस दिशा में जो है हमारे द्वारा कार्रवाई पहले से ही जो है की जा चुकी है। MPLRC की धारा 248 में प्रकरण दर्ज करके और बेदखली आदेश हमारे द्वारा पारित किया गया है। अब उसमें जो है पुलिस बल की उपलब्धता के आधार पर पुनः एक नई टीम बना के जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और उस मार्ग को जो है क्लियर किया जाएगा। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर FIR दर्ज करने का विरोध युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष जावेद पटेल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। SDM को ज्ञापन सौंपने से पहले जमकर नारेबाजी भी की गई और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला भी जलाया गया। राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन में पूर्व सीएम पर दर्ज FIR तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
घनघोर उमस से परेशान शहरवासियों को अब मॉनसून भी धोखा दे रहा है। गुरुवार की सुबह आसमान पर काले घने बादलों ने डेरा डाला तो लगा कि अब ये घनघोर बरसेंगे, लेकिन ये छींटे डालकर रवाना हो गए। दरअसल इस बार बारिश की खेंच लंबी हो गई है। अमूमन अरब सागर से आने वाला मानसून 25 जून के आसपास छा जाता है और धरती की उमस को शांत कर देता है, लेकिन इस बार 15 जुलाई तक मानसून की आमद पूरी तरह से नहीं हुई है। इसका असर गर्मी उमस के तौर पर दिखाई दे रहा है। पिछले दो दिन से बादल छा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनसे उम्मीद होती है उस तरह बरस नहीं रहे हैं। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा गुरुवार को शहर पहुंचे। सर्किट हाउस में उनका स्वागत करने बड़ी संख्या में भाजपा नेता पहुंचे। देवड़ा ने मीडिया को बताया कि ये रूटीन विजिट है। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक महितपुर में हो रही है, बैठक में शामिल होने ही जा रहा हूं। देवड़ा ने कहा कि सरकारी खजाना खाली भी होता है और भरता भी है। प्रदेश में जन कल्याणकारी काम रुकेंगे नहीं, विकास भी होगा। हमेशा की तरह ही देवड़ा ने कांग्रेस पर विकास नहीं करने का आरोप भी लगाया है। थोड़ी देर सर्किट हाउस में रुकने के बाद देवड़ा महितपुर के लिए रवाना हुए। मंत्री के नाते रूटीन का दौरा है, ये निरंतर प्रक्रिया है। पहले यहाँ पर मैं आया था तो जिलाधिकारियों की बैठक भी हुई, पार्टी कार्यालय पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, हमारे पदाधिकारियों से मुलाकात हुई। होता ही है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि कोई भी आवश्यक खर्चे रुकेंगे नहीं और अवन रुकेंगे नहीं, विकास भी होगा, जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च भी होगा और जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होगी। सरकार में रही है, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, मुझे लगता है उनको बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। अभी इसके पहले 15 माह कमलनाथ जी बैठे थे, वो अपने आप को जरा खुद अपने झांक करके देख ले। चिमनगंज थाने में चोरी का एक दिलचस्प मुकदमा दर्ज किया गया है। चोरी की रिपोर्ट बीमा अस्पताल के LDC चेतन श्रीवास्तव ने दर्ज कराई है। दरअसल 1 जनवरी 2008 को बीमा अस्पताल को नए भवन में शिफ्ट किया गया था। उस दौरान पुराने ऑपरेशन थिएटर से 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑपरेशन संबंधित उपकरण गायब हो गए थे। इन उपकरणों और सिलेंडर की जानकारी कागज में तो दर्ज थी, लेकिन भौतिक तौर पर ये उपकरण नई बिल्डिंग में नहीं आए थे। 13 साल बाद जब एक बार फिर से दस्तावेजों की जांच की गई तो उपकरण और सिलेंडर गायब मिले, तो चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वीर सावरकर मार्केट के पास स्थित एक पान की गुमटी में चोरी हो गई है। गुमटी का संचालन मनोज माली करते हैं। वो 8 जुलाई की रात गुमटी पर ताला डालकर घर गए थे। 9 जुलाई को लौटे तो गुमटी के पीछे के पटिये गायब थे। अज्ञात बदमाश 2000 रुपए नगद, सिगरेट, बीड़ी के पैकेट और गुटखे के पाउच उठा ले गया। मनोज ने माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तिरुपति एवेन्यू में रहने वाले दीपक मीणा की बाइक MP13 EZ8404 घर के बाहर से चोरी चली गई है। उन्होंने 12 जुलाई को बाइक घर के बाहर खड़ी की थी और अज्ञात बदमाश उसे उड़ा ले गया। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।